है कि वैसे मम्मी जी किस गल दे ये सब क्या है? पापा जी मेरे बुरे वक्त में आप लोगों ने काफी कुछ किया है हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए। उस वक्त मैं कुछ कर नहीं पाया पर अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। हाँ तो घर गृहस्थी के खर्चों में मैं थोड़ा सा भी हाथ बटा दूं तो मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। देख अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम जमाई से पैसा लें। लेकिन मेरे अच्छे दिन आ चुके हैं मम्मी जी पापा जी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। और फिर ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। परम जी आप ये सब क्यों कर रहे हो? सिमी मैं अपने घर को अपने घर की तरह संभालने के लिए गया था। लेकिन आपके पैसे वैसे बीच में मत लाओ, इन लोगों को लगेगा कि धौंस जमा रहे हो। अरे मैं हाथ जोड़ के खड़ा था। सिमी देख पहले की बात कुछ और थी पर अब मैं उनको जता देना चाहता हूँ कि मैं उनके टुकड़ों पे नहीं जी रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी छत के नीचे सर उठा के जी रहा हूँ। परम जी पर सुनो, तेरा पति अभी आ गया है, मैं सब संभालूंगा। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका बेटा लायक है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं, है ना अनन्या? आ जाओ। आप कितना सोचते हो ना इन सब के लिए, लेकिन ये लोग आपको फिर भी गलत ही समझते हैं। पता नहीं उस इश्ता की बच्ची ने क्या जादू किया हुआ है सब पर। अरे सिमो दिल छोटा ना कर, दिल छोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं। अब तू देखती जा बस, तू राज करेगी राज, सब पे मेरा जादू चलेगा। अरे मेरी भोली भाली सिमो। वाह वाह क्या नाटक करते हो परम, क्या तुम्हारे इस नाटक से पर्दा हम उठाएंगे। ये रेसिपी अम्मा को पता होगी। वैसे इशिता जी मानना पड़ेगा ऊपर वाले ने आपको बड़ी सच से बनाया। मैं कितनी बेशरम आदमी हो तुम। अरे आप भी तो बोलते हो कि आपको मुझसे डर नहीं लगता, तो फिर क्या हो गया? घर में हमारे अलावा कोई नहीं है तो? अरे मैं तो सिर्फ एक खबरदार जो मुझे छुआ भी, ये तो जिस हाथ में मैंने राखी बांधी थी ना इसे तोड़ना पड़ेगा। ना ना मैं छूका रहा हूँ, लेकिन हाथ मेरे दूर है आपसे। सिर्फ एहसास है, मैं आपको छूंगा नहीं। मैं सब वादा करता हूँ आपसे नहीं छूंगा। ये जो दिल है ना अच्छा मचल जाता है आपको देख के। क्या कहूँ मैं, कौन रुकेगा इसे? मैंने बहुत बड़े बड़े नीच देखे लेकिन तुम जितना गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बहन कह के भी गंदी निगाहों से देख रहे हो। मैं एक खूबसूरत बहन की तारीफ ही तो कर रहा हूँ। इशिता जी एक खूबसूरत औरत को बहन बोलने के लिए ये कलेजा चाहिए, बताओ। मुझे पता ही था कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। खैर अच्छा है, जल्दी ही सबको पता चल जाएगा, लेकिन तब तक मुझसे 100 कोस दूर रहना। भाई बहन के रिश्ते को गंदा करने वाले, मुझे तब तुमसे नफरत भी नहीं होती, दया आती है तुम पे। जी आप इमोशनल हो जाते हैं। जो आपसे राखी बनवाई है मैं भागा है मेरे लिए। सच तो ये है कि आज भी दिल धड़कता है आपके लिए। आपको ही कदर नहीं, अब दिल आकर तुम्हें क्या करो? तुम बस इतना करो अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दो। एंड आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, गलती से भी अगर छुआ मुझे तो इस बार रमन नहीं मैं निपटूंगी तुम। अरे कौन रमन को चाहता है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप मुझसे निपटो।
बात करती तुम्हारी मदर से। उसकी जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही जानती है ना। लेकिन वो सिम्मी है अम्मा, सिम्मी के सामने वो बिल्कुल अलग बिहेव करता है, और अकेले में आप देखो उसे, ऐसा इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। सिम्मी का हस्बैंड के लिए ऐसा कैसा लड़का ढूंढा, वो फेस से रेपिस्ट लगता। नो अम्मा, किसी की शक्ल से थोड़ी ना पता चल सकता है कि वो इंसान कितना कैरेक्टरलेस होगा। इनफैक्ट मुझे खुद को लगता था पहले कि वो इंसान अच्छा होगा, बातें इतनी अच्छी करता था, तो धीरे धीरे उसकी हरकतें मेरे सामने आनी शुरू हुई। परम बहुत बैड आदमी है ईशु, तुम अभी इधर आके रहो प्लीज। नो अम्मा, फिर तो उसे यहाँ लाने का मकसद ही खत्म हो जाएगा ना। व्हाट, क्या किया उस कमीने ने इस बार? Did that dog touch you? इस बार उसमें चप्पल से मारूंगी। रखो रखो चप्पल, नीचे रखो, नीचे रखो चप्पल, कम सिट हियर। पढ़ने वाली उसको मुझसे, then you wait and watch. Nothing happened. देखो अब वो मुझसे थोड़ा डर के ही बात करता है, एटलीस्ट दो कदम दूर रहता है। खैर हरकतें तो उसकी अभी भी बंद नहीं हुई है, पर ये कि सिम्मी के सामने तो वो इंसान देवता बनता है। सिम्मी को लगता है कि वो इंसान उससे बहुत प्यार करता है, उससे भी और अनन्या से भी। ओ प्लीज अक्का, ऐसे लोग किसी से प्यार नहीं करते, बना रहा है वो सबको, है ना प्रीमा? इसलिए मुझे भी यही लगता है, वो बिना मकसद के तो यहाँ नहीं आया होगा। पर मैं इस टेंशन में हूँ कि मैं सिम्मी के सामने उसकी सच्चाई लाऊं कैसे। 10-20 गुंडे बुलवा लेते हैं, उसके पीछे छोड़ देते हैं, लाते पड़ेंगी ना उस कमीने को, अपने आप सच बाहर निकल आएगा। नो गुंडी, उससे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी सिम्मी के लिए सबसे ज्यादा बुरी मैं हूँ फिलहाल। उसे ये लगता है कि मैं गलत हूँ, और अगर हमने ऐसा कर दिया तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे क्या लगता है कि उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें उसी के तरीके को अपनाना पड़ेगा। मतलब सही अप्पा। हाँ, मुझे लेके टेंशन है ना आपको? मैं ठीक रहूंगी, आपकी बेटी हूँ मैं। I'm a brave girl. अगर उसने कुछ किया ना तो मैं वहीं के वहीं उसे देख लूंगी, और अगर नहीं हो पाया ऐसा तो मैं भाग के आपके पास आ जाऊंगी। So don't take tension. मुझे लगता है मम्मी जी पापा जी आ गए, मैं अभी जाती हूँ। ठीक कह रहा हूँ। अरे अशोक भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, आपका तीर एकदम निशाने पे लगा। अरे जो बेइज्जती हो रही है ना इस समय रमन कुमार भल्ला की, अभी वो गर्ल चाइल्ड वाले उसे छूने तक नहीं वाले। बस अभी सारा कॉन्ट्रैक्ट आपका, ऑल योर्स। आप बहन हैं? आइए आइए। क्या बात है, जीतने से पहले ही जश्न मना रहे हो, अभी हमारी चाल बाकी है। जी आपकी इतनी तेज तरार बातों के तुम्हें फायदा हूँ, सच बता। लेकिन अभी अभी आप भी जानती हैं, इस बार आपका जादू नहीं चलने वाला वैसे। अरे बहुत बड़ी न्यूज आई अखबार में, पता है आपको, कोई बचा नहीं सकता रमन कुमार भल्ला को। तुमने और अशोक ने पहले भी ऐसी बहुत सी चालें चली हैं, पर हमेशा हार गए। क्योंकि तुम लोग की जो सोची समझी साजिश है ना, इसमें तुम लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। बाय द वे, तुम लोग ना इतनी मेहनत करो भी मत, क्योंकि जब तक मैं और रमन साथ में, हमें कोई नहीं हरा सकता। और रहा सवाल इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो तो रमन के ही हाथ में आएगा। ये बात ना लिख दो गई, सॉरी अनपढ़ ना, याद रखना इस बात।